फ्रेंड्स, रागों पे आधारित फिल्मी नगमों की इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जिस राग के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, एक फिल्मी बॉलीवुड म्यूजिक के लिहाज से एक बहुत ही फेमस राग, और इस राग के जो गीत हैं, नगमे हैं, वो अक्सर हम गुनगुनाते हैं, हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। और इतना फेमस राग होने के बावजूद कुछ एक इसके बारे में रोचक तथ्य हैं, तो जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ कुछ बातचीत करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज जिस राग की मैं बात कर रहा हूं, वो राग है किरवानी। तो किरवानी राग के ऊपर आधारित बहुत से फिल्मी सॉन्ग्स हैं जो बहुत फेमस हैं, हिट सॉन्ग्स हैं। और अगर थोड़ी सी इसकी जान पहचान की मैं बात करूं, तो इस राग में गा और धा, ये दो नोट्स जो हैं ये कोमल होते हैं, और इस राग की जो जाति है वो संपूर्ण संपूर्ण मतलब आरोह और अवरोह दोनों में पूरे सात सात स्वर लगते हैं। और उसके अलावा इसको गाने का जो समय है, गाने या बजाने का, वो रात्रि का दूसरा पहर है। तो अभी इसके जो गीत हैं, गाने हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस राग के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ रोचक तथ्य हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मशहूर राग है बॉलीवुड सॉन्ग्स के हिसाब से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया। बट अगर हम क्लासिकल म्यूजिक के लिहाज से देखें, तो जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, जिनको म्यूजिक की नॉलेज है, या जिन्होंने म्यूजिक के बारे में पढ़ा है, या मैं भी इसके बारे में वीडियो बना भी चुका हूं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है 10 अलग अलग थाट होते हैं, और उनके बेस पे उन थाटों के अंतर्गत अलग अलग राग जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि चार हमारे पास कोमल स्वर हैं, रेगा धानी, एक तीव्र है मा, तो उसके बेस पे 10 थाटों में विभाजित किया गया है, और उसके हिसाब से हमारे पास राग होते हैं। अब किरवानी राग के बारे में रोचक बात ये है कि ये जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो बातखंडे जी द्वारा 10 थाट दिए गए हैं, उन थाटों में कहीं भी ये राग जो है वे फिट नहीं होता। तो आप देख लीजिएगा, वो थाट जो है उसमें जो कॉम्बिनेशन है, उसमें गा और धा कोमल जो है, तो उस कॉम्बिनेशन का कोई भी थाट नहीं है। तो ये जो राग है ये किसी भी थाट में फिट नहीं बैठता। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे एक बार दरबारी के बारे में भी डिस्कशन किया था, तो दरबारी जो है वो असावरी थाट का राग है। तो असावरी में गा, धा और नी, ये तीनों स्वर कोमल हैं, बट किरवानी में केवल और केवल ग और धा, ये दो स्वर जो हैं ये कोमल रहेंगे। तो जैसे दरबारी में मैंने आपको बताया था कि आप सी स्केल हारमोनिका पे ए नोट को सा मानते हुए अगर चलें बिना स्लाइडर प्रेस किए, तो आप आसानी से जो दरबारी राग है उसको आप बजा सकते हैं, या असावरी राग को। उसी प्रकार इसमें भी जो किरवानी राग है, इसमें भी आप ए नोट से स्टार्ट कीजिए, बट आपको एक जगह पे जाके स्लाइडर लगाना पड़ेगा। तो वो मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें नी जो है वो कोमल नहीं है, नी शुद्ध है। तो उसके लिए शुद्ध नी को बजाने के लिए, अगर आप ए को सा माने, तो शुद्ध नी को बजाने के लिए आपको स्लाइडर लगाना पड़ेगा। तो भी ए नोट से स्टार्ट करते हुए पहले मैं आपको आरोह और अवरोह जो है वो बजा के दिखाऊंगा, उसके बाद दो या तीन गाने इसके ऊपर बजाऊंगा। और बहुत लंबी लिस्ट है बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स की, लाइट म्यूजिक के जो हमारे अंतर्गत आते हैं, तो उनकी एक लंबी लिस्ट है, बहुत से पॉपुलर सॉन्ग्स हैं। तो अभी आप सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ जो है दिमाग में, कई गाने जो हैं आपके घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसका आरोह और अवरोह, ये ए नोट है, ड्रॉ नोट, तो ये इस राग का सिंपल मैंने आपको नोट्स दिखाए आरोह और अवरोह में। तो भी कुछ एक गाने जैसे पुकारता चला हूं मैं, अभी आपको बजा के दिखाता हूं, आप खुद ब खुद गानों को गेस कीजिए।
पहले सिंपल सॉन्ग से स्टार्ट करता हूँ। किरवानी राग का ये सॉन्ग था। अभी दूसरा, ये भी एक बहुत फेमस सॉन्ग है, धुन से आप पहचान गए होंगे। ये भी एक किरवानी राग का सॉन्ग है। इसके अलावा और बहुत से सॉन्ग्स हैं, रिम झिम गिरे सावन, तो मतलब बहुत से सॉन्ग्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। ये सारा मटेरियल जो है अवेलेबल है इंटरनेट पे। बट जस्ट जो मेरा आज का मकसद था वीडियो बनाने का, क्योंकि राग बेस्ड सॉन्ग्स ऑन हारमोनिका, तो मैं हारमोनिका के रेफरेंस से जो सॉन्ग्स हैं उनको डिस्कस करता हूँ। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो यही है कि आप अगर ए नोट को सा मान के बजाते हैं और नी पे स्लाइडर लगाते हैं तो राग किरवानी बजेगा, या सिंपली आप सी से सरगम बजा लीजिए और उसमें गा क्योंकि कोमल है और धा कोमल है, तो गा और धा ये दो नोट्स आप कोमल लगा लीजिए, दो जगह पे स्लाइडर लगेगा तो भी आपका राग किरवानी बनेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ एक बातें थी राग किरवानी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। तो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ नया आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगले वीडियो में फिर से कोई नया राग लेके, उसके बारे में कुछ जानकारी लेके और उसको हारमोनिका के ऊपर हम कैसे बजा सकते हैं, तो उसके लिहाज से अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय फॉर।